আমি যে তোমার শুদ্ধ যে তোমার। জি হ্যাঁ দোস্তো, ভুলভুলাইয়া 3 কা টিজার আ চুকা হে। ও টিজার ইয়ার দেখনে কে বাদ কাফি জাদা গ্র্যান্ড লাগ রহা হে। ইভেন জো মেল দিখায়া গয়া হে ও ভি কাফি জাদা ইয়ার ডার্ক অর হরর সে ভরা হুয়া লাগ রহা হে। সো দোস্তো কেসা হে ইসকা টিজার ডিটেল মে বাত করেঙ্গে, লেকিন ইয়ার আপনে অভি তক আমারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব নাই কিয়া তো সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিও কো লাইক কর দিয়া করো ওর শেয়ার ভি কর দেনা। সো দোস্তো इस यार भूलभुलैया फ्रेंचाइजी की अगर बात करें तो 2007 के अंदर आई थी अक्षय कुमार की क्लासिक फिल्म भूलभुलैया। देन 2022 में आई यार कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 भी अच्छी खासी थी, लेकिन 2007 वाली का तो कोई मैचअप ही नहीं हो सकता। लेकिन जब से यार यहाँ पर बोला गया कि भाई साहब जिस तरह से रूमर्स निकल के आई के भूलभुलैया 3 के अंदर विद्या बालन कमबैक कर रही है, रिटर्न हो रही है एज ए मंजुलिका, तो यार इस फिल्म की हाइप सातवें आसमान पर थी भाई साहब। लेकिन टीजर देखने के बाद और जो उनका फर्स्ट लुक टीजर के अंदर देखने के बाद, सच में यार कहूँगा आई एम डिसअपॉइंटेड यार दोस्त। मुझे यार बहुत निराशा हुई, क्योंकि यार बहुत ही लाइट उनके डायलॉग और बहुत ही लाइट उनका चेहरा दिखाया गया है। इवन जो उनका शॉट है यार कुर्सी को उठाना, वो भी पुरानी फिल्म से रिक्रिएट किया हुआ है। सो यार अभी यार सिर्फ अजप्शन है यार, लेकिन अगर मूवी के अंदर उनका सीन्स अच्छा खासा दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं यार मज़ा आएगा, वरना यार कहीं ना कहीं ये इनकी वापसी फीकी ना पड़ जाए। और वैसे भी यार विद्या बालन से यहाँ पर 100% उम्मीदें हैं कि उन्होंने काम तो बेहतरीन ही किया होगा। और दोस्तों जिस तरह से डायलॉग उनके बोले गए हैं यार, जिस तरह से बोल रही है कि यार मेरा सिंहासन किसी और को दे दिया, तो कहीं ना कहीं यार नई मंजुलिका एंड पुरानी मंजुलिका का यहाँ पर घमासान युद्ध देखने को मिलेगा हमें। स्टोरी लाइन का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरी थ्योरीज है, आई होप सही निकले। सो यार कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें माधुरी दीक्षित भी नज़र आएगी, कहा तो ये जा रहा है कि उनका भी एक हॉरर एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा। अभी टीजर के अंदर उनका लुक रिवील नहीं हुआ, लेकिन ट्रेलर में डेफिनेटली वो दिखाई देगी। तो यार माधुरी जी एंड विद्या बालन और तृप्ति धिमरी इन तीनों की तिकड़ी क्या इस मूवी को 500 करोड़ पर ले जाएगी? उड़ती उड़ती अफवाहें हैं कि अक्षय कुमार का भी इसके अंदर कमबैक हो सकता है। अगर हुआ तो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि स्त्री के अंदर कुछ ही चंद मिनटों के रोल में जो भाई साहब उन्होंने उस मूवी को पुश किया, वो यार 500 करोड़ पार निकल गया। तो यार वो संजीवनी बूटी इस मूवी के लिए भी काम कर सकती है, अगर हो गया तो 4 चांद लग जाएंगे। बिकॉज ऑफ यार ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी, और वो हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी को आगे अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो यार पिछली फिल्म भी उन्होंने अच्छा खासा एलिमेंट और कॉमेडी और हॉरर का मिक्सअप किया था और ठीक ठाक था, लाइट कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन अच्छी कारोबार करके निकल गई थी। और इस मूवी से भी अच्छी खासी उम्मीदें हैं दोस्तों। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा भूलभुलैया 3 का टीज़र, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार।